नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेंजीन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम बेंजीन की रिएक्शंस में से एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, ओजोनोलाइसिस। देखो, ओजोनोलाइसिस से संबंधित बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम बेसिक जो रिएक्शन है वो देखेंगे कि बेंजीन का ओजोनोलाइसिस किस प्रकार से होता है। बस एक चीज याद रखना, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में लाइसिस है, इसका मतलब टूटना है, वो चीज टूटेगी, लाइसिस होगा उसका। ओजोनो अर्थात ओजोन टूटेगी, तो ओजोन मॉलिक्यूल भी टूटेगा और साथ साथ में जो बेंजीन मॉलिक्यूल है वो भी टूटेगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए बेंजीन है और हम इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ओजोन के तीन मूल काम में आते हैं और हम इसमें जिंक डालते हैं और H2O। जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को इसमें तीन मोल ग्लाइऑक्सेन मिलते हैं। बेंजीन के एक मोल से हमारे को तीन मोल किसके मिल रहे हैं? ग्लाइऑक्सेन के। अब ये प्राप्त कैसे हुआ, कैसे ये रिएक्शन हुई, क्यों जिंक का डालना इंपॉर्टेंट है? यहां पर जिंक के स्थान पर कुछ पुस्तकों में डाइमेथिल सल्फाइड भी है। जिंक के स्थान पे क्या और काम में ले सकते हैं? डाइमेथिल सल्फाइड। तो हम इसको जो काम में ले रहे हैं, ये इसके साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। तो ये मैकेनिज्म देखते हैं इसका अपन। जो बेंजीन है मैं सबसे पहले इसके एक डबल बॉन्ड के साथ ओजोन की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये अपने पास ओजोन का एक मॉलिक्यूल मान लीजिए, और आप चाहें तो इस प्लस चार्ज को यहां भी ले जा सकते हैं। एक तरह से ये जब यहां की बजाय ये नेगेटिव चार्ज यहां है, इस प्लस को मैं यहां ले जाऊं, यानी ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, इधर O प्लस और इधर O माइनस, तो एक तरह से ये 1,3-डाइपोलर स्पीशीज होगी। यानी हम बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? 1,3-डाइपोलर स्पीसीज, जिसमें एक सुटेबल एग्जांपल है किसका? ओजोन का। तो जब ओजोन की इसके साथ रिएक्शन होगी तो देखिए, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पे टेक करें और ये नेगेटिव चार्ज यहां जुड़े, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये बेंजीन और यहां पर हमारे पास O, फिर ये O, फिर ये O, ये H H है, यानी एक तरह से ये एडिशन रिएक्शन है। तो ये 1,3-डाइपोलर एडिशन हो गया ओजोन का किसके साथ? बेंजीन के साथ। ये जो हमारे पास स्पीशीज बनी है, अब इसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग दो डबल बॉन्ड है वहां पर भी ओजोन के दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यानी इन दोनों डबल बॉन्ड पे ओजोन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेंगे और हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, ये देखिए, ये वाली स्थिति आ गई। यहां ये बन गया, यहां डबल बॉन्ड था तो यहां पर भी ये बन गया।
अब ये देखो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया एक तरह से, इसे कहते हैं मोनोजोनाइन, मोनोजोनाइन। यानी जो ओजोन है वो बेंजीन के साथ जुड़ करके क्या बनाती है, अपने लिए मोनोजोनाइट बनाती है। अब इस मोनोजोनाइट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और इसमें रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं कि यहां से एक ऑक्सीजन एटम, यहां से एक ऑक्सीजन एटम जो अभी इन दोनों कार्बन एटम के बीच में, दो ऑक्सीजन उनके बीच में, वहां से ये हट करके कहां जाएगा अपने पास, इन दो कार्बन एटम के बीच में। यानी हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद ये स्थिति हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, ये यानी इसका हमने रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट में ठीक वैसे ही होगा कि अपने पास यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसको इधर ले आएंगे तो यहां पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये इधर आएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से हट करके फिर कहां पे आएगा, इन दोनों कार्बन के, थोड़ा सा याद रखना एक ये बॉन्ड है वो थोड़ा ज्यादा बन गया, यहां से ये चीजें हट जाएंगी, ये वाली स्थिति आ गई अपने पास। तो जब ये यहां से आ गया अपने पास तो इसके साथ साथ में ये वाले जो बोन्स हैं वो भी टूटते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रह गया अपने पास, ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, फिर ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, तो ये तो दोनों ऑक्सीजन जुड़ गए और ऑक्सीजन का आ गया बीच में आ गया अपने पास। ये जो प्रोसेस है रीअरेंजमेंट का, इसका मैकेनिज्म काफी जटिल है, तो बीएससी लेवल पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको इतना याद रखना है कि इसके रीअरेंजमेंट से ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखिए क्या होगा, हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां से। हाइड्रोलाइसिस कराने पर किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं वो थोड़ा सा याद रखना, ये देखिए इस प्रकार से करना है आपको। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनको नहीं तोड़ना है, जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इस प्रकार से तोड़ना है, याद रखना। ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से, यानी एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, तो अपने पास से तीन मोल काम में आएंगे। अब देखिए यहां पर ये C और ये O और एक क्या बचा हुआ था यहां पर H, इधर भी क्या है H, तो C डबल बॉन्ड O और ये H, C डबल बॉन्ड O और ये H, अर्थात CHO, तो एक मोल CHO यहां से आ गया, दूसरा मोल CHO का यहां से आ जाएगा, तीसरा मोल CHO का यहां से आ जाएगा, तो हमारे पास कितने मोल्स हो गए, तीन मोल्स हो गए इसके, इसके CHO के साथ साथ में हमारे पास तीन मोल ही H2O2 के बनेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड के बनेंगे। अब यदि यहां पर हम जिंक अथवा डाइमेथिल सल्फाइड नहीं डालेंगे, जिंक अथवा डाइमेथिल सल्फाइड नहीं डालेंगे तो ये H2O2 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या हो जाएगा, हमारे पास
ग्लाइऑक्सल के स्थान पे क्या ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने जिंक और डाइमिथिल सल्फाइड इसमें डाल लिया तो ये जिंक और डाइमिथिल ऑक्साइड इसका क्या कर देंगे, इसकी ऑक्सीजन ले लेंगे, अर्थात इसके पास ऑक्सीजन कम हो गई तो इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बसंत है इसके। तो हमारे को या तो अगर जिंक लेंगे तो ZnO मिलेगा और डाइमिथिल सल्फाइड लेंगे तो डाइमिथिल सल्फोक्साइड मिलेगा। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है अपने को जिंक अथवा डाइमिथिल सल्फाइड की, ताकि जो भी हमारे पास यहां पर एल्डिहाइड अथवा कीटोन मिल रहा है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इनको काम में लेंगे। और यह भी ध्यान रखना कि पहले बेंजीन की रिएक्शन ओजोन के साथ होती है तो मोलोजोनाइड बनता है, यह मोलोजोनाइड है, फिर मोलोजोनाइड में रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के पश्चात ये जो स्पीसीज बनी थी इसे कहते हैं हम ओजोनाइड, ये है ओजोनाइड। फिर ओजोनाइड में अपने पास बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी, ध्यान दो ओजोनाइड में अपने पास यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या टूट रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहे हैं इसमें हाइड्रोलाइसिस के दौरान। और ये हमारे को फाइनली क्या मिल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, और इस साइड में क्या मिल गया ये प्लस साथ में क्या मिलेगा जो मैंने पहले बताया था आपको ये वाला CHO CH। तो ये रिएक्शन थी बेंजीन की ओजोनोलाइसिस की, और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो बेंजीन है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ करके फिर हम उनका ओजोनोलाइसिस करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।